हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज एक नई वीडियो पे मैं फिर से रिएक्ट करने वाली हूँ और वीडियो रहने वाला है शिराजी का एक नया वीडियो आ रखा है माई न्यू हाउस करके, और साथ में मैं आपको उसका टाइटल भी बताती हूँ, यूट्यूब इनकम से नया घर लिया। ओ माई गॉड। वैसे भी शिराजी की फैमिली अपने गांव में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है लोगों की और खुद घर भी बनाती है, तो फाइनली आज शिराजी का न्यू घर हम देखने वाले हैं। उससे पहले हमने शिराजी के होम टूर जो है वो देख लिया है, बट आज नया हाउस देखने वाले हैं, किस तरीके से शिराजी अपने नए घर को बनवाने वाले हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस ब्लॉग के लिए। उससे पहले जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शिराजी से रिलेटेड सारी वीडियोज पर हम रिएक्ट करेंगे क्योंकि हम उसके फैंस हैं और फैंस तो यार ऑब्वियस है, करती हैं रिएक्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सब? उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं और शिराज हाजिर हुए हैं जी शिराज के एक नए व्लॉग के साथ। तो अभी तक कुछ लोग ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि आप शिराज के व्लॉग में आप क्यों आते हैं, तो मैं कई बार बता चुका हूँ जी, चैनल पे कुछ इश्यू हो गया था, इसलिए शुरू में एक मिनट से कम टाइम के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो बाकी आज हम देखते हैं शिराज अपना कौन सा नया व्लॉग लेके आ रही। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप खैरियत होंगे, हम खुद खैरियत हैं और हम आपका ब्लॉग देखने के लिए ऐसे ही बिल्कुल बैठ गए। पहले मैं जाता हूँ, फिर मैं आपको एक व्लॉग की खुशखबरी सुनाता हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ। ओके, अभी हम मुस्कान को लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी चलते हैं। अभी मुस्कान है या नहीं है पता नहीं। देखो यार मुस्कान चढ़ गया इधर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुस्कान हमेशा या तो पेड़ पे चढ़ी रहती है, पहाड़ पे चढ़ी रहती है। देखो मुस्कान सीधे चढ़ गया, रो रहा है। नीचे उतरो ना वरना आप गिर जाएगा, मेरे गोद में आ जाओ वरना आप गिर जाओगे ना। इतने लंबे देखो, ओ मुस्कान तो ऊपर चढ़ गया है। ये मुस्कान ना हमेशा सीढ़ी पे चढ़ते हैं और पहाड़ पे भी चढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, और दरख्त पे भी चढ़ते हैं। यार मुस्कान तू ये इसकी आदत तो यही है यार। देखो तो मुस्कान भी फाइनली नीचे आ चुका है, पहले तो मुस्कान ऊपर चढ़ता था यार। देखो अभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक। मुस्कान ये मोबाइल आप पकड़ो, फिर आपकी सलाम करो, फिर हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये लो नाज़रीन, कैसा आप सब? उम्मीद का खड़े तो होंगे। ये देखो ये भाई है, ये बलबारे घर से आए हैं। भाई आप ये पीछे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बोलो ना, क्या हुआ बोलो क्या हुआ? मुस्कान की हिंदी इतनी क्यूट लगती है ना, उर्दू नहीं आती है भाई, गंगा बन गया। तो बाकी मेरे दोस्त शिप्टन और शब्बीर यहाँ पे खेल रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आपके हाथ में क्या हुआ? खिलाफ कट गया हाथ। कैसे काट गया आपके हाथ? चलते चलता अभी मशीन। अच्छा कौन सा वाला मशीन से काटा? क्या मशीन पे काटा? अच्छा अच्छा आलू आलू काटने की मशीन से आपके हाथ फट गए? अच्छा अच्छा। तो ये देखो मेरी दोस्त के बेचारे हाथ को कट गया है। मुस्कान देखो फिर पत्थर के बीच में चला गया। तो बाकी दोस्तों ना यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, ना यहाँ सर्दी ना है, गर्मी नहीं है। आपकी वहाँ पर कराची पे तो बहुत गर्मी हो रही हो गया, हमारे यहाँ पे तो बहुत सर्दी हो रही है। यहाँ पे तो कल फिर बारिश हो गया था, देखो अभी तो मैंने फिर स्वेटर पहना हुआ है। यार कराची लाहौर में बहुत इस्लामाबाद में बहुत गर्मी होते हैं, यहाँ पे तो देखो यार बहुत सर्दी है, क्यों है पता नहीं। देखो मैं गाँव का व्यू भी दिखाता हूँ थोड़ा। देखो ये देखते ही मुझे ये शेर याद आता है, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में आमेंग, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में आमेंग, मिसाल गोहर नायब हम पत्थर में रहते हैं। और इसका मानी मुझे समझ नहीं आता है।
तो अभी हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, आपको पता है थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा। आज मैं आपको फाइनली दिखाने वाला हूँ जी, पहाड़ों में हमने नया घर बनाए हैं। वो इंशाल्लाह हम ये घर बने तो हम इसमें आएंगे। हमारा पुराना घर ना वो टूटने वाला था, फिर हमने एक नया घर बनाया है जी। तो फाइनली मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो मैं आपको हमारा घर दिखाओ। मुस्कान, ये किसका घर है? मेरा घर है। मेरा घर है। ये आपका घर नहीं है मुस्कान, हमारा सारे फैमिली का घर है जी। भाई क्या बोल रहे हो? ये मुस्कान क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे? मैं सुनना बोल रहा हूँ। मैं सुनना बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं मुस्कान? बोल रहा ना, मैं सुनना बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं आ रहे। बताओ यार मुस्कान, बताओ। अयो ये देखो जी, ये हमारा नया घर। तो मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत प्यारा बन रहा है, लोकेशन घर बन रहा है। देखो अभी भी काम हो रहे है ये घर की, देखो अभी भी काम हो रहे है। सबसे लोकेशन मुझे ये अच्छा लगा ना, यहाँ पे पहाड़ भी नजर आते हैं बहुत बड़ा। मुझे शहर पसंद नहीं था ना, मैं इसलिए शहर में घर नहीं बनाया, गांव में घर बनाया। nice. हमारे गांव में इतना शोर शराबा भी नहीं होता है, गाड़ी की शोर भी नहीं होता है। वहाँ की गाड़ी की शोर होता है, फिर चुंग चुंग होता है। तो मैं आपको अंदर लेके जाते हैं, दिखाते हैं, फिर आपको अंदर दिखाता हूँ आपको घर के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो जी, काम जो रखो माशाल्लाह। देखो जी, बिस्मिल्लाह। ये देखो जी अंकल, ये यहाँ पे हमारा घर बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, हमारा घर कब तैयार होगा? बस इंशाल्लाह कल परसों तक हो जाएगा। परसों तक? हाँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा जल्दी बनाओ प्लीज। तो मैं आपको फाइनली सबसे पहले छत दिखाता हूँ, फिर आपको सारे कमरे दिखाते हैं, ठीक है? तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो ये देखो जी हमारे घर की छत, बहुत प्यारी लोकेशन पे, नाइस। ओ देखो ये तो चारों तरफ सुकून ही सुकून, देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ये देखो, और मुस्कान लोग नीचे खेल रहे हैं। देखो जी, इंशाल्लाह हमारे घर बनेंगे ना तो मैं माहुसैन को भी बहुत ही अच्छे से घर बनाऊंगा। घर बना रहे हैं ना, अभी अभी बन नहीं गया है, बना रहे हैं, फिर बन जाएगा, फिर मैं आपको वो भी वीडियो में दिखाऊंगा, फिर माहुसैन अच्छे से पढ़ाई करेगा। देखो माहुसैन का घर उधर है, उधर एक दरख नजर आ रहा है ना उसके पीछे। देखो जब घर बनेगा ना ये हमारा, फिर मैं छत से लोमड़ियों को देखूंगा, फिर मैं एक कैमरा लाऊंगा, फिर इस तरह देखूंगा, फिर लोमड़ी देखेगा, फिर मैं पहाड़ पे जाऊंगा, फिर मैं लोमड़ी को ऐसे ऐसे काट के रखेंगे। यार उस पहाड़ पे ना बारिश होते है तो पानी आता है, फिर तो बारिश नहीं होती तो पानी नहीं आता है। ये क्या हो गया, ये कैसे मतलब है? ये देखो अभी पानी नहीं आ रहे, देखो मुस्कान कहाँ चले गए? ले हाँ मुस्कान, मुस्कान हाँ मुस्कान, हाँ कहाँ गया है? इसमें होगा, ओ इसमें है मुस्कान है, ओ इसमें छुपा हुआ है। ये देखो मैं आपको दिला रहा हूँ, दे यार ये मुस्कान भी ना क्या कर रहे हैं यार, क्या 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 मुस्कान आप इसमें से कैसे गया? हाँ? इसमें मैं क्या इधर आया। अच्छा, जंपी मारा फिर आप इधर आया? हाँ। आप नीचे बैठो, नीचे मैं आपको झूला लगाता हूँ। अट्टी पिट्टी सो जा, मम्मी पापा आएंगे, चार खिलौने लाएंगे। मुस्कान आप कैसे निकलेगा? हाँ मुस्कान कैसे निकलेगा? देखो अभी भी काम हो रहे, मैं आपको घर के अंदर भी दिखाता हूँ आपको। घर के अंदर निकालना नहीं निकाला। देखो जी ये है हमारा टीवी लाउंज, इसमें हम टीवी लगाएंगे फिर देखेंगे। और ये कमरा है। देखो जी ये इतने सामान है इसमें, देखो ये स्टोर हो गया, क्या होगा मुझे पता नहीं।
और ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, खोल दिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार अब देखो ये बहुत ही खूबसूरत एक कमरा है जी। देखो ये मेरी कमरा है और मुस्कान की कमरा भी आपको दिखाते हैं। और मुस्कान की कमरे तो जब बनेगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है? फिर मैं आपको दिखाऊंगा, सब्सक्राइब करते रहो। तो अभी मैंने आपको अपने घर भी दिखाया, सारे कमरा भी दिखाए। फिर कुछ दिनों बाद ना ये बहुत अच्छे से बनेगा, फिर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। फिर मैं ना ये घर बनेगा ना तो मैं बाबा जी लोगों को अपने घर में ला के खाना खिलाऊंगा, फिर बाबू जी लोग बहुत खुश हो जाएगा। Wow, nice. देखो मेरी यहाँ पे एक अचानक से फैन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा आप कहाँ से आए? मैं मंथर कांडो से हूँ। मंथर कांडो से आए हो? अच्छा अच्छा अच्छा, इतने दूर से आप मुझे मिलने आए हैं आप मुझे? जी। और कौन आया आपके साथ? मेरे अबू आए हैं। कौन? अबू की बहन आई है, बहन की बेटी आई है और छोटा भाई है और दादा है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे दूर से मिलने आने के लिए। तो चलो मिलने जाते हैं हम। कौन कौन आए? दूर तो दूर से फैंस मिलने आ रहे हैं शिराजी से। अभी तो बताया था फिर भूल गया। तो अभी हम जा रहे हैं जी, मेरे घर में आया होगा शायद वो। तो अभी मुझे दो फैंस मिल आए हैं, तो वो कहाँ से आए मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीम हैदर है। अच्छा आप कहाँ से आए हो? मैं स्कर्दू से। स्कर्दू से? स्कर्दू कहाँ से आए हो? स्कर्दू मंडल से ना। मंडल से आए हो? अच्छा अच्छा, मुझे मिलने आए हो या? हाँ मिलने आए हो ना। अच्छा मेरी वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखते हैं। लाइक करते हैं? करते हैं। अच्छा अच्छा, ये मुझे दो फ्रेंड्स मुझे मिलने आए हैं और बाबू जी एक भी मुझे मिलने आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बाबू जी भी मुझे मिलने आए हैं, मैं आपको मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या जो ठीक हो ताजू? शुक्रिया यहाँ जी फोटो थो चंगे बहुत खुशी सो कौन बहुत खुशी या गए गंगमा शरी फोटो लेते हैं दुपिन ओ बलिस्तानी रिकॉर्ड या भाई इस गांव में तुम रहते हो नहीं थोई नहीं लेके दी चन गई सोच गई तो फिर गए चला थुक पोमी। ये बाबा जी मुझे इतने दूर से मिलने आए हैं, मैं आपको मैं इन लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यार, बहुत शुक्रिया जू। खुदा ओके दोस्तों, अगले लोगों को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बोले। थैंक यू लोग अपना अखलाक। ओके गाइस, सिराजी का वीडियो हो गया खत्म। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी इस ब्लॉग के लिए और फाइनली सिराजी का मैंने नया होम देख लिया। बट घर तो बहुत अच्छा बन रहा है सीरियसली यार, और कितनी प्यारी लोकेशन पे वो घर बन रहा है। मतलब जब स्नोफॉल होगा तो मतलब पहाड़ियाँ से विंडो से ही दिखेगा यार। मतलब इंसान को ये सब चाहिए होता है, बट यार शिराजी नेचुरल जगह पे है और ये सारी चीज़ें फील करेगा अपनी आँखों से। यार बहुत लकी लोग हैं वहाँ के जो इतने अच्छे इतने प्यारे वेदर में रहते हैं और इतना ठंडा भी वहाँ पे हो रहा है। यार मैं तो बहुत खुश हूँ ब्लॉग देख के, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोकेशन बहुत प्यारी जहाँ पे घर इनका बन रहा है। कंप्लीट घर का टूर जो है शिराजी हमें बाद में देंगे, उससे पहले आप लोगों को कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। और आज बकरीद है तो कल है ईद है ना, आज दो दिन है ना, संडे मंडे को मे बी यस। तो बकरीद है तो आप लोग खूब जश्न के साथ मनाइए उसको गाइस। और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा बकरीद पे आप लोगों ने मतलब अपना सेलिब्रेशन अदरवाइज जो जो होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता रहता नहीं इस बारे में, बट जरूर बताना। और हैप्पी हैप्पी आप लोगों ने मनाया होगा ना बकरीद, जरूर बताना। बाय बाय गाइस।